प्रमुख दलहनी फसल चने की सरकारी खरीद अंतिम चरण में है। वहीं नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 जून तक 23.83 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद की है। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अच्छी तरह से बढ़ता है। कुल दलहन फसलों में लगभग 45% का योगदान करने वाले चने की खरीद का लक्ष्य 2022-23 के लिए 29 लाख मीट्रिक टन है। चने का MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं राज्यवार सरकारी खरीद आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 7.34 लाख मीट्रिक टन, गुजरात में 5.59 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 7.95 लाख मीट्रिक टन और कर्नाटक में 74,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 72,000 मीट्रिक टन, राजस्थान में 1.32 लाख मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश में 12.43 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गई है। वहीं महाराष्ट्र में चने की सरकारी खरीद की तिथि 18 जून तक बढ़ा दी गई है। वहां खरीद लक्ष्य 6.69 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 7.76 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। अन्य राज्य गुजरात में 5.36 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 8.71 लाख मीट्रिक टन और राजस्थान में 5.97 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में खरीद 31 मई तक होनी थी, जिसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा खरीद गति को देखते हुए इस साल 25 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद होने की उम्मीद है। वहीं अच्छी मांग के बीच आवक में मामूली कमी के कारण राजधानी दिल्ली में चने के भाव पिछले सत्र के मुकाबले 0.24% बढ़कर 4,937 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। चने की कीमतों में हाल के बता दें 4,700 रुपये के निचले स्तर में करीब 5% की रिकवरी दर्ज की गई है। बहुत कम समय में चने के भाव 5,000 रुपये के स्तर हो रहेंगे। वहीं हालांकि MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं चने का उत्पादन सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 139.8 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। प्रमुख चना उत्पादक राज्य में से एक गुजरात में चना उत्पादन 49% बढ़कर 21.4 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसी तरह राजस्थान में चने का उत्पादन 20% बढ़कर 27.2 लाख मीट्रिक टन और महाराष्ट्र में 15% बढ़कर 27.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इससे किसानों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।